कैसे हो आप सब दोस्तों। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे घातांक जो चैप्टर था उसका पहला वीडियो, उसका जो कुछ रूल था वो देखा था हम लोगों ने, और जो उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स थे उसको हम लोगों ने देखा था। आज दोस्तों हम लोग कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जो पहला सवाल है, यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे मैंने एक पहला सवाल यहाँ पर लिया है, एक्स पावर एम और इसका पावर कितना है एन माइनस, यहाँ पर टू एक्स पावर कितना है, ये एक्स पावर कितना है एम और इसका पावर कितना है एन। अगर यहाँ दोस्तों देखा जाए, इसका पूछा है का मान होगा, इसका मान होगा, और यहाँ जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन ए दिया है माइनस एक्स पावर एन इंटू एम, ऑप्शन बी दिया है एक्स पावर एन इंटू एम, सी दिया है वन और डी ऑप्शन दिया है एक्स पावर माइनस एम इंटू एम, ये ऑप्शन आपका दिया है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखें, देखिए ये क्या है, ये घात का घात है पूरा हो जाएगा, तो एक्स घात क्या होगा एम इंटू क्या हो जाएगा एन माइनस दो, और यहाँ पर क्या है घात का घात है पूरा हो जाएगा तो एक्स घात क्या हो जाएगा एम इंटू एन। अब यहाँ देखा जाए तो इसका मान कितना है एक, तो यहाँ पर एक एक्स घात एम इंटू क्या हो जाएगा एन माइनस दो एक्स घात क्या हो जाएगा एम इंटू एन। अगर दोस्तों यहाँ से घटाते हैं तो देखिए दो में से एक क्या हो जाएगा एक घटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स घात क्या हो जाएगा एम इंटू एन, ये दोस्तों क्या हो गई वैल्यू, अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ऐसे दूसरा जो सवाल है इसमें कहा है यदि, दूसरा जो सवाल है इसमें कहा है यदि एक पावर कितना है एक्स भागे एक पावर एक्स माइनस कितना है थ्री इक्वल टू कितना है 27, तो ए का मान होगा, ए का मान होगा, मतलब ए का हमें क्या करना है जो वैल्यू है वो ज्ञात करना है, और ऑप्शन में आपका दिया है 5, 3, 4 और यहां पर 6, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अगर यहां पर इस सवाल को देखा जाए तो देखिए ये क्या है एक पावर एक्स भागे एक पावर क्या है एक्स माइनस थ्री बराबर कितना 27, ए का मान निकालना है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखें ये भागे में लिख सकते हैं एक पावर एक्स माइनस क्या हो जाएगा थ्री बराबर 27, क्या लिख सकते हैं थ्री का क्या लिख सकते हैं क्यूब लिख सकते हैं। अगर यहाँ दोस्तों देखा जाए तो एक पावर कितना हो जाएगा एक्स, ये माइनस चिन्ह है ब्रैकेट के पहले, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस थ्री, और ये थ्री का पावर कितना हो जाएगा थ्री। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स ये कट गया तो एक पावर कितना है थ्री और यहाँ थ्री का पावर कितना है थ्री। दोस्तों अगर एक चीज देखिए, हमने आपको कहा था कि जैसे एक पावर क्या है एम इक्वल टू एक पावर क्या है एन, अगर आधार आपस में क्या है बराबर तो घात भी क्या होंगे बराबर, तो ऐसे इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर घात आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं इनका आधार भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, इसका मतलब कि ए स्क्वायर टू कितना होगा थ्री और थ्री ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे इसके आगे जो सवाल है उसको देखते हैं, इसमें कहा है 128, इसमें कहा है 128 का पावर माइनस 8 बटे कितना 7, ये आपका तीसरा सवाल, इसका मान पूछा गया है। दोस्तों देखिए अगर 128 का अगर आप ऐसे बुरा घट करें, दो से काटोगे आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 6 12, 2 6 8, दो से काटोगे कितना हो जाएगा 32, फिर दो से काटोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, और फिर दो से काटोगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर दो से काटोगे 4 और फिर क्या हो जाएगा 2, इसके मतलब कितने दो है 1 2 3 4 5 6, 6 दो है, जिसका मतलब आप लिख सकते हैं 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 और यहाँ कितना है आपका माइनस 8 बटे क्या हो जाएगा 7। ठीक है ना, ये आपको क्या हो जाएगा 2 आपका कहते हैं इसका घात कितना है आपका माइनस 8 बटे 7 ये है। अब यहाँ से दोस्तों देखा जाए, अगर यहाँ से देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 8 बटे क्या हो जाएगा 7। ठीक है,
देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपका कितना है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पावर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर माइनस क्या है 8/7। अगर यहाँ लिखे तो 2 पावर 7 इंटू माइनस 8/7 ये कट गया, दो के घात कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, 2 पावर का हो जाएगा माइनस 8। अब एक चीज जान लीजिए, अगर 2 के घात कितना है माइनस 8 है, 2 के घात माइनस 8, इसी को लिखना चाहिए ये। तो अगर आप पॉजिटिव क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव यहाँ पर करेंगे घात करेंगे इसको नीचे लाएंगे 2 के घात क्या हो जाएगा 8। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जब भी पावर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है, जब भी पावर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा तो हमेशा जो उसका क्या कहते हैं पावर होता है, जो उसका घात होता है वो क्या हो जाता है, जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ ऊपर से क्या आया नीचे आया, ये माइनस था क्या हो गया प्लस, अगर ये आपका प्लस है अगर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा माइनस। तो पावर जब भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तो हमेशा उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 8 का मतलब हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते, ऐसे कितने बार गुणा करेंगे आप 8 बार करेंगे, कितनी बार 8 बार, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 28 2 256, यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा 256। तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1/256। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल में देखते हैं, अगले सवाल में कहा है, इसमें कहा कि 125 की घात कितना है -2/3 है, ठीक है ना। अब देखिए 125 का आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा, ये -2/3 कितना है 3। अगर आप यहाँ देखिए तो 5 की घात 3 गुणते -2/3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 5 घात कितना हो जाएगा -2। अब इसी को अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 घात कितना 2, ये नीचे आएगा 5 घात 2 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका 25, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब ऐसे दोस्तों आगे देखते हैं, अगला जो सवाल है इसमें कहा है कि 64, अगले सवाल में कहा है कि 64 x³ / 125 y^-3, और इसके पूरे घात दोस्तों कितना है 2/3 है, ये आपका सवाल है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत हो। ऑप्शन ए यहाँ पर 16xy/25 है, ऑप्शन बी आपका 16x²y²/25 है, ऑप्शन सी आपका 4xy/25 है, ऑप्शन डी आपका 4x²y²/25 कितना है 25, ये आपका ऑप्शन दिया गया। अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, देखिए क्या है भाग है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 64x³/125y³, और पूरे घात कितना है आपका 2/3, यहाँ माइनस लगा है माइनस, ठीक है ना, ये माइनस वाई ऐसे। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये आपको कितना है, ये आपका 64 है एक्स क्यूब, और ये कितना 125 वाई के घात -3, ठीक है ना। मैंने आपको दोस्तों एक चीज बताया कि अगर कोई भी संख्या आपका एक्स स्क्वायर ऐसे है, ये अगर ऊपर गया तो एक्स की घात कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, अगर यही आपका एक्स घात -2 है तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा एक्स घात क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 64x³, अब देखिए 64x³/125, अब यहाँ देखिए क्या है, ये 1/2 क्या है वाई घात कितना है -3, अगर ये ऊपर गया क्या हो जाएगा वाई घात क्या हो जाएगा +3, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वाई घात कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, अब पूरे घात कितना है 2/3। आइए दोस्तों अब इसमें एक चीज देखते हैं, 64 का क्यूब क्या हो, 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का होता है, तो 64 को लिख सकते हैं ऐसे 4x³ है, 4 का क्यूब x³ y³ /
125 से हम क्या लिख सकते हैं, 5 घात 3, और ये पूरे घात कितना है, 2/3। तो हम यहाँ पर ये क्या है, सब घात 3 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4xy/5, और इसका घात कितना है 3, और पूरे का दोस्तों घात कितना ले सकते हैं, 2/3। अब जो देखिए यहाँ पर 4xy/5, 4xy/5, और घात घात का जो बुरा 3 × 2/3, 3 × 3 कट गया। तो अब क्या हो गया, इसका स्क्वायर, तो यहाँ से 4xy/5 का स्क्वायर, तो अगर इसका आप स्क्वायर निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, बटे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो 16x²y² / 25। तो आप दोस्तों खुद ही देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो क्या है, आपका सही है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है, और ये सब इस टाइप में देखिए क्वेश्चन जो होता है ना दोस्तों वो आपके परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं और अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर दिया गया है कि पी का पावर x - y / p का पावर x + y ((p)y - z) (p)y + z (p)। क्या हो जाएगा, z - x / p का पावर आपका z + x हो जाएगा। ये क्या है, ये वैल्यू है, कह रहा इसका मान क्या होगा, इसका मान दोस्तों निकालना है। ठीक है ना, आइए देखिए ये क्या है, ये दोनों भाग है और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो p घात x - क्या है y, और यहाँ क्या हो जाएगा घट जाएगा x + क्या हो जाएगा y ((p)) p घात, ये आपका 1 घात m / 1 घात n है, यहाँ पे क्या हो जाएगा y - क्या हो जाएगा z - y + क्या हो जाएगा दोस्तों z हो जाएगा (((), यहाँ पर क्या हो जाएगा p घात क्या हो जाएगा z - x, और यहाँ -z + क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे तो p घात क्या हो जाएगा x - क्या होगा y, यहाँ माइनस चिन्ह है ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -x, और ये क्या हो जाएगा -y (((), p घात क्या हो जाएगा y - क्या हो जाएगा z हो जाएगा, ये z है, ये 2 नहीं है z है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा -y, और ये क्या है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -z (((), p घात क्या हो जाएगा z - x, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे z, और ये क्या हो जाएगा -x। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस है और ये क्या है प्लस कट गया, और यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों कट गए और यहाँ पर जेड वाला कट गया दोस्तों। यहाँ क्या बचा, p घात -y - y कितना -2y ((p)-z - z - 2z (((), p·2x। अब इन दोनों क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा p घात क्या हो जाएगा -2y - 2z - 2x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अगर दो के दोनों में क्या कर, तीनों में क्या कर ले दोस्तों, अगर सम में देखिए, अगर देखा जाए सम में तो -2 कॉमन है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे p·-2 कॉमन ले लिया, निकाल लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा वाई, सब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा y + z + x, ये क्या हो जाएगा p·-2x + y + z, यही क्या हो जाएगा दोस्तों वैल्यू हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एक सवाल और है उसको देखते हैं। जैसे दोस्तों एक सवाल है, इसमें कहा गया है कि 2 का पावर x, यहाँ पे सवाल है 2 का पावर x + 2 का पावर x - 1 / 2 का पावर x + 1
माइनस टू की पावर एक्स में यदि एक्स बराबर जीरो हो तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा, मतलब कि ये जो सवाल है इसमें अगर एक्स का मान क्या हो, जीरो हो, तो इन सबका पूरे टोटल का मान कितना होगा, यही पूछा गया है इस पूरे समीकरण में। अगर के कहते हैं एक्स बराबर क्या हो दोस्तों, जीरो हो, तो इनका मान क्या होगा, यहां से देखा जाए तो वैल्यू रख लीजिए, दो का पावर क्या है एक्स जीरो प्लस दो का घात जीरो माइनस वन बटे दो का घात जीरो प्लस वन और माइनस दो का घात कितना जीरो। यहां देखा जाए दो का घात जीरो का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एक प्लस यहाँ दो का घात क्या हो जाएगा जीरो बढ़ाओगे तो माइनस वन बटे यहाँ क्या हो जाएगा दो का घात एक हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। देखो दोस्तों यहां से अगर देखा जाए तो वन प्लस माइनस है ना, दो का घात माइनस वन है तो ये क्या हो जाएगा एक बटे दो हो जाएगा, इसका घात कितना एक, क्योंकि ये नीचे आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें हम लिख सकते हैं एक बटे दो। और यहाँ देखिए दो का घात एक मतलब दो और दो एक कितना हो जाएगा तीन, ठीक है ना। अब देखिए दो एक का दो, दो एक तीन कितना हो जाएगा तीन बटे दो और ये बटे कितना आपका तीन, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये आपका जो है यहां से अगर देखा जाए तो ये आपको कितना दो एक का दो और दो एक तीन, तीन बटे दो, पर यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ दो में से देखिए दो घात एक, इसका मान कितना दो और दो में से एक गए एक, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा आपका एक का कोई मतलब नहीं है, कितना हो जाएगा तीन बटे दो, दो एक कम दो, दो एक तीन, तीन बटे दो, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यही दोस्तों क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे सवाल है आपकी किताब में और इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं होते हैं, और अगर आप इन सवालों को अगर अच्छे से ध्यान से अगर आप लगाए तो सारे सवाल आपके आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक सवाल और यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको जरा देखिएगा, इसमें कहा है 81 का पावर 6, 81 का पावर 6 और इसका होल पावर कितना है 1.20, ये सवाल है दोस्तों। अगर यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा 81 की घात 6 है तो घात का घात पूरा 81 घात 6 बुरते 1 बटा कितना हो जाएगा 24, 6 4 24, तो 81 घात क्या हो जाएगा 81 घात 1 बटे कितना हो जाएगा 6 एक बटे चार, तो काट दिया छह से काटा कितना है चार बढ़ गया छह चौक 24। अब देखो क्या सिखा लिख सकते हो तीन का घात 4 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों 81 को लिख सकते हैं तीन बुढ़ते तीन बुढ़ते तीन बुढ़ते तीन, तो कितनी बार लिखा चार बार, तो क्या हो जाएगा तीन घात कितना 4, यहाँ तीन घात 4 अब बुढ़ते ये आप इसका घात कितना एक बुटे चार, चार से चार कट गया तीन घात एक और तीन घात एक का मत कितना होगा, ठीक है। ये दोस्तों क्या है ये आपका इतना सवाल, तो उम्मीद करता हूँ ऐसे ही सवाल आपकी किताब में दिए होंगे और उन सवालों को आप क्या करोगे आप लगाओगे। अगले वीडियो में एक दो वीडियो और हम बना देंगे, तो आपका ये जो घातांक और करणी चैप्टर है ये आपका, जैसे हमने घातांक वाला जो पोर्शन था वो हमने आपको लगभग सभी टाइप का सिखा दिया, एक दो टाइप और आपको हम बताएंगे सवाल की कहते हैं, उसके बाद जो करणी वाला है उससे थोड़ा हम बता देंगे, तो ये आपका जो चैप्टर है ये आपका खत्म हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्या कहते हैं एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे जो भी एग्जाम हो चाहे आईआरटी हो चाहे पॉलिटेक्निक। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना जरूर राय दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैं मैथ पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मैथ पढ़ाने का जो हमारा तरीका वो आपको कैसा लगा जरूर बताएं दोस्तों। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब